ठीक है। प्रथम आनंद, प्रथम प्रथम कैन यू हियर मी? सो आई थिंक यू आर ज्वाइनिंग दिस क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम, इजंट इट सो? Your mic is not opening. Yes, you can write in chat box also. Sorry. Have you joined this class for the first time? Okay. ठीक है। जोचना दीक्षा देवांश पटेल, देवांश पटेल, आर यू देयर? सो यू सर, सारे स्टेट्स का एनटीएससी पोस्टपोन्ड हो गया। इज दिस अ ब्रेकिंग न्यूज़? जैद सोरन सर नहीं आया है सर, नोटिस सर भेजा भी है सर टेलीग्राम में। टेलीग्राम में, यस सर, सर हमने पढ़ लिया सर, आया है ऑर्डर। दिल्ली में आया है। यस सर सर और और भी एनसीआरटी स्टेट। स्टेट्स? ओके, अपार्ट फ्रॉम दिल्ली एनी अदर स्टेट? इट इज ड्यू टू द न्यू वायरस? सर केमिस्ट्री वाले सर भी वही कह रहे थे इज इट ड्यू टू द न्यू वायरस? सर। नाम क्या था सर उस वायरस का सर, कोरोना के अलावा है ना वो वाला? ओमनीक्रॉन। यस सर ओमनीक्रॉन। ओके, आई हैवंट मींस आई डोंट हैव द अपडेट रिलेटेड टू इट। ठीक है, सर चलो देखते भेज हैं, दे। देखते हैं कि क्या होता है। राइट, एज ऑफ नाउ आई डोंट हैव एन अपडेट रिलेटेड टू इट। फिर भी जो है कि एग्जामिनेशन तो होंगे ही, आज नहीं होंगे तो कल होंगे, होंगे ही। राइट, एंड वी नीड टू कंप्लीट द थिंग्स विच वी आर सपोज टू डू। राइट, एंड वी विल डू इट ऑन टाइम। ठीक है, तो हम लोगों ने फॉरेस्ट सोसाइटी, कॉलोनियलिज्म, फॉरेस्ट सोसाइटी ने सॉरी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज एक्चुअली, राइट, यस सर। वी हैव कंप्लीटेड यस्टरडे, एंड देन आई हैव स्टार्टेड चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। ठीक है, सो चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी में बिफोर आई गो अहेड, आई वुड लाइक टू नो दैट व्हाट यू हैव स्टडीड इन आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। राइट, Anyone out there who can give me a brief of outcomes of democracy? Means brief in the sense that you can choose a short way, right? You just need to highlight the important points, right? The important headings and the relevant points related to that heading. That's all. You have to give a short review. Arnav, very good. ये मानस रिखारी नहीं है यहाँ पे? No, he is not there. चलो अर्णव, वेरी गुड, एक बार ब्रीफ करो। यस सर। सर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में बेसिकली जो 5 पॉइंट्स हैं जो याद आ रहे हैं, मतलब जो डेमोक्रेसी की वजह से, एक तो पहली बात कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है कि ये सारी चीज़ों का सॉल्यूशन। यू नीड टू स्विच ऑन योर कैमरा, राइट? ओ यस सर। सर एम आई विजिबल? यस यू आर। यस सर। सर तो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में सर सबसे पहले कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और ये कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है, और इसकी मदद से मतलब फिलहाल यही बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये मान के डेमोक्रेसी के मेरिट्स को ही हम आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी कह रहे हैं। सर इसमें पहला है कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो पीपल के द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, या कहें कि जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल होती है और वो रिस्पॉन्सिव होती है। दिस मीन्स कि वो अपने डिसीजंस के लिए और जो भी उसने मतलब डिसीजंस लिए हैं उनके लिए वो अकाउंटेबल होती है, जिम्मेदार होती है, और उस पर फिर जैसे वो डिसीजन अच्छा हुआ या फिर बुरा हुआ उसके लिए उससे क्वेश्चनिंग या क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा सकती है। और रिस्पॉन्सिव का भी मीनिंग यही हुआ कि जैसे मीडिया या फिर जो बाकी कॉमन मासेस भी हैं, अगर ये गवर्नमेंट में वो अगर ये गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव है, अकाउंटेबल है, तभी ये इनको सेटिस्फाई भी कर पाएगी अपनी डीड से।
जबकि बाकी जो दूसरी गवर्नमेंट्स हैं मोनार्की या डिक्टेटरशिप में देखें तो वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वहाँ पे जो उनका बेनिफिट होता है वो उसको प्रायोरिटी देते हैं और उसके बेसिस पे डिसीजंस ले सकते हैं वो, और उसके लिए उन्हें किसी को कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड है सर इकोनॉमिक ग्रोथ। डेमोक्रेसी का इकोनॉमिक ग्रोथ में जो ग्राफ है वो उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में जो मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ है वो थोड़ी ज़्यादा है। डेमोक्रेसी ज़्यादा पीछे नहीं है, लेकिन इस फील्ड में इंडिया को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सर फिर इसके बाद एक था सोशल डाइवर्सिटीज़। सर जितनी भी डाइवर्सिटीज़ हैं हमारे सोसाइटी में, डेमोक्रेसी एक ऐसा वे है जिसके थ्रू उनको गवर्नमेंट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है और फिर वो डाइवर्सिटीज़ अपने ग्रुप के लिए या अपने कम्युनिटी के लिए बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। इस तरीके से डेमोक्रेसी में डाइवर्सिटीज़ को अकोमोडेट किया जाता है और यूनिटी इन डाइवर्सिटी को भी हम यहाँ पे एक पॉइंट बना सकते हैं। और एक है कि डेमोक्रेसी इन्हांसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। और सर फिफ्थ पॉइंट सर इक्वालिटी का था शायद, फिफ्थ पॉइंट यस सर, कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल राइट्स की इक्वालिटी सभी को मिली हुई है और सोशल और इकोनॉमिक फ्रंट्स पे ये डेमोक्रेसी में इक्वालिटी नहीं है। सर ये पॉइंट्स मुझे भी याद आ रहे थे। क्रिश क्रिश वर्मा, यस सर, ये सारे पॉइंट्स जो इन्होंने बताए हैं अर्नब ने सही हैं? यस सर, श्योर? यस सर, पर कुछ कम भी हैं पॉइंट। मतलब जो इम्पोर्टेंट हेडिंग्स हैं वो हेडिंग्स सही हैं सारे? सर लास्ट वाले में तो बस थोड़ा डाउट है, पर सर बाकी तो सारी सही थी। अच्छा हाँ, कृष्णा शर्मा बोलो। यस सर, लास्ट हेडिंग नहीं है सर, वो डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स है। क्या है फिर बताओ। यस सर, सर जैसे अर्णब ने बताया सर, जैसे फर्स्ट पॉइंट में सर मैंने अच्छे से सुना नहीं, पर सर मेरे को लगा उसमें ट्रांसपेरेंसी वाला पॉइंट मिसिंग था। जो हमने आपने एग्जांपल भी बताया था, इंडिया में है RTI जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है सर, वो पहले पॉइंट पे मिसिंग लगा मेरे को। और सर लास्ट पॉइंट डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स, यानी उनके पास राइट होगा फ्रीडम का सिटीजन्स के पास तरह से सर। और तो जो जो RTI इम्पोर्टेंट हेडिंग्स हैं, आउटकम्स हैं, सिर्फ हेडिंग्स का बताओ कौन कौन से हैं। यस सर, अकाउंटेबल रीजनेबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट सर पहला पॉइंट है सर। दूसरा पॉइंट रीजनेबल है या रिस्पॉन्सिव है? सर सॉरी रिस्पॉन्सिव सर। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सर। देन थर्ड रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी ठीक सर। है, फिर फोर्थ पॉइंट है अकोमोडेशन ऑफ सर, वो लास्ट वाली लाइन भूल गया सर। डाइवर्सिटी सोशल यस सर, अकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी एंड द फिफ्थ होगा ना, पॉइंट सर अकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी या अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी? सोशल सोशल डाइवर्सिटी सर, जिसमें अच्छा श्रीलंका का केस भी हमें वापस रिमाइंड कराया था सर। ठीक फिर है, लास्ट पॉइंट जो है सर डिग्निटी ऑफ फ्रीडम एंड सिटीजन सर, ये 5 पॉइंट बताए हैं। अर्णव यस सर, आई होप दैट ये ट्रांसपेरेंसी वाला पॉइंट आपने नोट किया होगा। यस सर, सर ये मिस हो गया था। ठीक है, और लास्ट पॉइंट भी यस सर, ठीक है। तो चलो अच्छा है, एक थोड़ा सा रिकैप हो गया। अब स्टार्ट करते हैं चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। राइट, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर वी विल कम बी स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर। राइट, एंड दैट न्यू चैप्टर वुड बी फ्रॉम क्या होगा, होना चाहिए जियोग्राफी और हिस्ट्री। जियोग्राफी। जियोग्राफी राइट, सो वी विल बी डूइंग जियोग्राफी एंड देन वी विल बी मूविंग बैक टू हिस्ट्री एंड आई थिंक वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड मैक्सिमम चैप्टर्स ऑफ हिस्ट्री। राइट, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यस सर, एक्चुअली। राइट, द ओनली इंपॉर्टेंट चैप्टर व्हिच इज लेफ्ट इज प्रिंट कल्चर। राइट, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जामिनेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो कल की क्लास में मैंने थोड़ा चैलेंजेस के बारे में डिस्कशन किया था।
आई मस्ट हैव टोल्ड यू अबाउट द चैलेंजेस राइट विच अ डेमोक्रेसी फेस. अब एक किसी डेमो अब अगर ये मान के चलो कि एक कोई इंसान है ठीक है जिसका नाम डेमोक्रेसी है, अब वो कह दे कि मेरे पास तो कोई चैलेंज है ही नहीं बिकॉज आई एम द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट राइट, मैं एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हूँ, मेरे पास कोई चैलेंज नहीं, कोई कौन सा चैलेंज है बताओ. तो उसके लिए चैलेंज क्या होगा, मतलब अगर आप डेमोक्रेसी हो और आप सबसे अच्छे हो तो पूरी दुनिया में क्यों नहीं हो, ठीक सर है. फाउंडेशन फाउंडेशन चैलेंज चैलेंज फाउंडेशन पहला चैलेंज होगा, फाउंडेशन चैलेंज, जहां नहीं हो वहां पे फाउंडेशन अपना बना के दिखाओ. दूसरा, अगर जहां पे फाउंडेशन हो चुका है ठीक है तो अब वहां पे एक्सपैंड करके दिखाओ, फाउंडेशन हो गया अब एक्सपेंशन करो ठीक है, एक्सपेंशन हो गया उसके बाद क्या चैलेंज, डीपेन हो ठीक है, मतलब चैलेंज भी क्या, एक सीढ़ी अगर आपने चढ़ ली है दैट इट इज द बेस्ट फॉर्म, यू आर द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसका मतलब ये नहीं कि वो अंत है, उसके उसके बाद भी जो है चैलेंजेस हैं, उस चैलेंजेस को मीट करो, अ चैलेंज आफ्टर चैलेंज ठीक है. और ये चैलेंज ही है जो इंसान के ग्रोथ में हेल्प करता है, इफ यू आर रेडी टू एक्सेप्ट चैलेंज इट मीन्स देयर विल बी अ ग्रोथ, यू विल हैव यस सर देयर विल बी अ ग्रोथ इन योर लाइफ, इफ यू वोंट सर यानी इवोल्यूशन. हाँ यस, इफ यू वोंट एक्सेप्ट चैलेंज देन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट ग्रोथ इन योर लाइफ ठीक है. अब एक सीढ़ी चढ़ने के प्रयास करोगे तभी चढ़ पाओगे, वो चैलेंज है चढ़ने के लिए, और चढ़ गए तो वो सीढ़ी चढ़ चुके हो, अब उसके बाद वाली सीढ़ी देखो. यस सर समझ में आ रही है बात आप लोगों को? यस सर यस सर मतलब हमेशा आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, चैलेंजेस एक्सेप्ट करो. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं सर हम तो एनटीएससी के लिए जो है तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम तो बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं. ओके इट्स ओके दैट इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर एनटीएससी एंड प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड, बट एट द सेम टाइम यू मस्ट अपीयर फॉर एनटीएससी एग्जामिनेशन वेदर यू आर अवेयर ऑफ द चैप्टर्स, वेदर यू आर वेरी गुड, वेदर यू आर गुड और नॉट राइट, यू मस्ट गो थ्रू, यू मस्ट सिट इन द एग्जामिनेशन एंड लर्न दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर यू नो people are facing. नहीं निकले निकले yes, नहीं sir. निकले वो बात की बात है. As a student of class 10, hardest you, listen, as a student of class 10, you are getting an opportunity, you are getting a challenge to crack any examination. And if you are accepting it, then the very first stage you are winning. Right? पहला first stage यही होता ही है. Half battle आप कब जीतते हो, जब आप battle के लिए हाँ बोलते हो. लड़ने को हम तैयार है, आधे मतलब आपने आधा जो है जंग जीत लिया, अब आधे में काम करना है. जिनके पास करेज होता है वो यही वही कहते हैं ये बात, जिनके पास नहीं होता वो नहीं कह पाते देन ठीक है. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, शो योर करेज दैट यू हैव द करेज, हो ना हो बात की बात है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा इसमें, नहीं होगा किसी और में होगा, उसमें नहीं होगा किसी और में होगा, किसी न किसी में तो होगा ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट ठीक है दिस चैप्टर. हाय आई हैव शेयर माय स्क्रीन, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? दिख रहा है? नो सर. नो सर. सर सर अब आ गया. यस सर. चलो तो let's move to the challenges right. So this is the challenge, thinking about challenge. I think we have done discussed till here right, yahan tak to discussion kar liya hum logo ne, but aage ka bhi discussion reh raha hai to main chahunga koi read kare hai na, fir uske baad further round of discussion hoga isme. So yes, Manoj is there in this class, Manoj Kumar. Yes sir. I think Manoj you are not regular in your class. Isn't it so? Sir, last class में नहीं था, sir network issue हो रहा था बहुत. Even today also you are not speaking loudly. Yes sir. Be louder. What you are saying, Manoj? Sir, मैं बोल रहा था sir last class में sir थोड़ा network issue था तो join नहीं हो रही थी. Read कर पाओगे? Yes sir. Read करो. Manoj, you are taking a lot of time.
जैद सौरभ। थिंकिंग अबाउट चैलेंजेस डू यू रिमेंबर द चैप्टर ऑफ सर योर आवाज आ रही पॉलिटिकल है? साइंस यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर जैद। सर स्टार्ट करूं? एट डिफरेंट पॉइंट डिफरेंट पॉइंट इन दिस टूर ऑफ डेमोक्रेसी वी हैव नोटेड द सीरियस चैलेंजेस दैट डेमोक्रेसी फेसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड A challenge is not just any problem. We usually call only those difficulties a challenge, which are significant and which can be overcome. A challenge is a difficulty that carries within it an opportunity for progress. Once we overcome a challenge, we go up to a higher level than before. ये समझ में आया? I think I have discussed just. Yes, sir. All these points. Yes, sir. ठीक है. आगे बढ़ो. There. Different countries face different kind of challenges. At least one-fourth of the globe is still not under democratic government. The challenge for democracy in these part of the world is very stark. These countries face the foundational challenge of making the transition to democracy and then instituting democratic government. This involves bringing down the existing non-democratic regime, keeping military away from controlling government and establishing a sovereign and functional state. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? ये पैराग्राफ? यस सर। यस सर। तो इन फाउंडेशनल चैलेंज हमने क्या देखा कि दोस कंट्रीज मींस 1/4 ऑफ द कंट्रीज आर स्टिल अनडेमोक्रेटिक, राइट? एंड दिस विल बी अ चैलेंज फॉर अ डेमोक्रेसी, राइट, टू एस्टैब्लिश इटसेल्फ इन दोस कंट्री। ठीक है, नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम को हटाओ, मिलिट्री जो है कंट्रोल ना करे गवर्नमेंट को, एक सोवरेन और एक फंक्शनल स्टेट होना, ये पहला चैलेंज होगा डेमोक्रेसी के लिए। थिंक दैट डेमोक्रेसी इज एन इंडिविजुअल, राइट? तो उसको चैलेंज बताया जा रहा है कि देखो ये चैलेंज है तुम्हारे पास, राइट? नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द एस्टैब्लिश्ड, ओके, बी लाउडर जयंत, यू आर नॉट लाउडर टुडे, मोस्ट ऑफ द एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसीज फेस द चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन. This involves applying the basic principle of democratic government across all the regions, different social groups and various institutions, ensuring greater power to local government, extension of federal principle to all the units of the federation, including of women and minority groups, etc. falls under this challenge. Underline all this. Yes, sir. This also means that less and less decisions should remain outside the arena of democratic control. Most countries, including India and other democracies like the US, face this challenge. ठीक है, तो challenge of expansion क्या है कि हर जगह democratic जो principle है democracy की, वो क्या करो, implement करो। ठीक है, जो बेसिक प्रिंसिपल है किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो हमने पढ़ा है ऑलरेडी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी से हमने शुरू किया है, और जो है नाइन्थ से शुरू किया और आज तक अभी तक, ठीक है, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी हैं सिविक्स में। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल है, मेन प्रिंसिपल है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, वो क्या होने चाहिए, हर रीजन में वो क्या हो, इम्प्लीमेंट हो जाए। ठीक है, हर सोशल ग्रुप, वेरियस इंस्टीट्यूशन सब उसको क्या करें, फॉलो करें, तब ये एक्सपेंशन होगा। क्या होगा? एक्सपेंशन होगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बने, उसके पास भी पावर हो। ठीक है, विमेन का इंक्लूजन हो, माइनॉरिटी का इंक्लूजन हो, तभी क्या होगा, डेमोक्रेसी फर्दर क्या होगी, एक्सपैंड होगी। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक रेजीम तो है, बट वो जो है कि हेल्दियर वे में फॉलो नहीं हो रहा है थ्रू आउट दी कंट्री। यस, तो इसका मतलब उसके पास क्या चैलेंज है, एक्सपेंशन का चैलेंज है। मतलब स्प्रेडिंग आउट फाउंडेशन हो गया, तो फाउंडेशन के बाद का चैलेंज क्या होगा, एक्सपेंशन का। और जब एक्सपैंड कर जाओगे तब चैलेंज होगा डीपेन का। तो इंडिया, कंट्री लाइक इंडिया एंड यूएस आर फेसिंग चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन, और ज्यादा जो है कि एक्सपैंड करिए डेमोक्रेसी को। नाउ द थर्ड चैलेंज इज डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को क्या करना है, डीपेन करना है। ये क्या है, इसको रीड करो। यस, ऋषभ सिंह सर, एक डाउट है। हाँ बोलो।
सर नीचे से फोर्थ लाइन में सर दिस आल्सो मींस दैट लेस एंड लेस डिसीजन शुड रिमेन आउटसाइड द अरेना ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रोल. सर इसकी मीनिंग का क्या हुआ? डेमोक्रेटिक कंट्रोल मीन्स जो अरीना है, मीन्स ओवरऑल जो गवर्नमेंट है, ठीक है। यहाँ पे इसको इस तरीके से समझो कि मोर एंड मोर पब्लिक पार्टिसिपेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जा रहा है, ठीक है, कि डिसीजन जो है वो अगर बाहर से आए, बाहर से इन द सेंस दैट पब्लिक अरीना में से वो डिसीजन आए, ठीक है, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। लोगों का पार्टिसिपेशन, लोग किसी भी डिसीजन मेकिंग में जो है कि इन्वॉल्वमेंट जिनका हो रहा है, ठीक है, वो सोच रहे हैं कि नहीं ये डिसीजन ये अच्छा नहीं ये है, ठीक है, मतलब दे आर गिविंग अप देयर व्यूज, दे आर थिंकिंग दैट दे आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम, राइट, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। वो और फर्दर हम कह सकते हैं कि इसका क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी का एक्सपेंशन हो रहा है, ओके राइट। सर. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. यस सर. यस सर. आगे नेक्स्ट कौन पढ़ने वाला था? मनोज, यस सर. पढ़ो हमने भी हैंड रेस किया है, मनोज किस लिए? हाँ रीड कर। सर. रीडिंग के लिए किया था. सर पढ़ो. बोलो, पढ़ो, क्यों लेट कर रहे हो? द थर्ड चैलेंज ऑफ डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज फेस्ड बाय एवरी डेमोक्रेसी इन वन फॉर्म और अनदर. दिस इन्वॉल्व स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड द प्रैक्टिस ऑफ द डेमोक्रेसी. दिस शुड हैपन इन सच अ वे दैट पीपल कैन रियलाइज देयर एक्सपेक्टेशन ऑफ द डेमोक्रेसी. बट ऑर्डिनरी पीपल हैव डिफरेंट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डेमोक्रेसी इन डिफरेंट सोसाइटीज. देयरफॉर दीज चैलेंजेस टेक डिफरेंट मीनिंग्स एंड पाथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. इन जनरल टर्म इट यूजुअली means strengthening those institutions that can help people's participation and control. This requires a अंडरलाइन करते political चलो break सर। down the control and the influence of rich power, rich and powerful people in making the governmental decision. ठीक है, तो इन डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में क्या बताया गया कि हम डेमोक्रेसी को कैसे डीपेन करेंगे? तो ये देखा जाए तो अब जब एक्सपेंशन में ही इंडिया और यूएस जैसी कंट्री आ जा रही है, ओल्डेस्ट और जो है कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, जब दोनों ही आ गई तो सोचो किसको बुलाओगे डेमोक्रेटिक, ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं वो कहा जा सकता है फिलहाल। तो जो डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी होगा, तो डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी अलग अलग कंट्रीज में इसका मीनिंग अलग अलग होगा, ठीक है। तो अब ये वैरी करेगा फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर, कैसे लोग वहां पे प्रैक्टिस कर, अब लोग क्योंकि अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से हैं, ठीक है, वो सोचते अलग अलग तरीके से हैं, उनका जो है थिंकिंग अलग अलग है, पर्सपेक्टिव अलग अलग है, तो डेमोक्रेसी डीपेन कैसे होगा, ये अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग होगा, ठीक है। और सबसे जो है बढ़िया तरीका क्या होगा कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो एक्सपेंशन में इंस्टीट्यूशंस बने हैं, उसको फर्दर क्या करो, फर्दर क्या करो, उसको मजबूत करो, लोग जो है उस इंस्टीट्यूशंस पे विश्वास करें, राइट, और जो है डेमोक्रेटिक वर्क में, ठीक है, या डेमोक्रेटिकली सारे वर्क को एग्जीक्यूट करें, ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब जैसे फॉर एन यस एग्जाम्पल, सर. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई से दैट एक्सपेंशन हो गया भाई, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपने बना दिया, ठीक है, फाउंडेशन डाल दिया, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपने एक लेवल, एक टायर और जो है ऐड कर दिया, एक्सपैंड कर दिया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, फिर फर्दर एक्सपेंशन कर दिया कि वेमेन का भी 1/3 रिजर्वेशन होगा, ठीक है, बट जो रियल इंटेंशन था उस एक्सपेंशन का वो ये था कि 1/3 सीट्स अगर हम रिजर्व कर रहे हैं वेमेन के लिए, तो वेमेन शुड बी एम्पावर्ड एंड दे शुड टेक डिसीजन बाई देयर ओन, एंड इफ वेमेन देमसेल्व्स आर टेकिंग डिसीजन बाई देयर ओन, इट मीन्स दैट येस द डेमोक्रेसी इज डीपेंड, राइट, मीन्स वी आर गेटिंग द आउटकम्स विच वी आर लुकिंग फॉर, बट एट द सेम टाइम, राइट, इफ वेमेन आर नॉट टेकिंग डिसीजन, समवन एल्स इज टेकिंग डिसीजन, देन वी कैन से दैट नो, दो देर इज एन एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी बट नॉट डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, बिकॉज द इंटेंशन बिहाइंड ऑफ गिविंग द इंटेंशन बिहाइंड गिविंग रिजर्वेशन टू वेमेन वॉज दैट वेमेन शुड टेक, यू नो, वेमेन शुड पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस,
right? And this is not happening. The male counterpart are taking the advantage of this reservation and they are taking decision, right, on behalf of their wives or mother, depends, varies. Is it clear? So we will not call this as a deepening of democracy. I hope this must be clear to all of you. Yes, sir. Clear. Yes, sir. ठीक है, तो इसी को इसी तरीके से इसमें फ्रेम करके लिखा है. यू कैन गिव साइड दिस एग्जांपल. नाउ फर्दर कंटिन्यू मनोज. ओके सर. वी हैव नोटेड और हिंटेड एट दीस चैलेंजेस ऑन ऑल द वेरियस एग्जांपल एंड द स्टोरीज दैट वी स्टडीड इन आवर टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 9 एंड इन द अर्लियर चैप्टर्स ऑफ दिस बुक. लेट अस गो बैक टू द मेजर स्टॉप इन आवर रूट ऑफ डेमोक्रेसी, रिफ्रेश आवर मेमोरी एंड नोट डाउन द चैलेंजेस दैट डेमोक्रेसीज फेसेस इन ईच ऑफ दीस केसेस. ओके. So here you will find that whatever we have done till yet, right, means from class 9th onwards to class 10th, right, different cases will has been listed out and you have to write the challenges, right, your description of the challenges for democracy in that situation. So this will be your homework, right? You need to go through this segment and prepare your notes based on it. If you have already studied this by heart and soul, right, I think that you will be able to, you know, answer the challenges which are given over here, right? So go through it, find out the answer, write the answer, right? And if you have your textbook, I hope that many of you have your textbook, right? Yes, textbook. You can take references from there if you are not recalling right now, right? And you can write down the challenges which these countries are facing, right? After this, different types of challenges, ye bhi hai. So this is not required too much, right? Let's move forward. Koshish karna, taki abhi sare challenges kar pao. Yes. The main challenge for a democratic process, for a democracy, is about political reform, for which we have already discussed. Right, this particular point we have already discussed. Where we discuss this? In political parties. Right, we come across challenges humne padha political parties mein, fir humne kya padha, reforms ke bare mein padha, fir usme humne kuch laws ke bare mein padha aur kuch humne fir suggestions diye. Humne law 3 padha, yes, suggestion 5 diye. Yaad aa raha hai? Yes sir. 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एंटी डिफेक्शन लॉ याद आ रहा होगा, जो है आईटीआर फाइल करना है ये याद आ रहा होगा, एफिडेविट देना है ये याद आ रहा होगा, ठीक है. और 5 सजेशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपने यहाँ रखो, बनाओ, रिजर्वेशन दो वेमेन के लिए, एससी एसटीज के लिए, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन हो, ठीक है, याद आ रहा है ये सब है? यस सर. तो अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि हमें डिस्कस करना है. सिर्फ एक बच्चे को याद आ रहा है, अर्नब को, और किसी को याद नहीं आ रहा है? Yes, पढ़ा सभी लोगों ने साथ में. चलो अर्नब कंटिन्यू करो यहाँ से. यस सर. थिंकिंग अबाउट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, ईच ऑफ दीज चैलेंजेस इज लिंक्ड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ रिफॉर्म्स. एज मेंशनड अबव, वी डिस्कस चैलेंजेस ओनली बिकॉज वी थिंक दीज कैन बी ओवरकम. जनरली ऑल दी सजेशंस आर प्रपोजल्स about overcoming various challenges to democracy are called democracy reform or political reform. Underline. Yes, sir. We are not going to give here a list of desirable political reforms, for there cannot be any such list. If all the countries do not have the same challenges, it follows that everyone cannot follow the same recipe of political reforms. Wait. Are you getting this point? What this point means, these statements is all about? Yes, sir. The statements which are written over here, it says, simply says that one policy fits for all will not be applicable. ठीक है, एक पॉलिसी बनाओ और सभी के लिए वो इम्प्लीमेंट हो जाए, ये नहीं है. अगर हाथ है, हाथों में पांचों उंगली बराबर नहीं होती. तो पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात करोगे तो हमने ये पढ़ा है कि हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज वी नीड टू हैव. तो उसका आंसर भी हमने ये पढ़ा कि दैट दिस इज नॉट अ गुड क्वेश्चन, बिकॉज एवरी सोसाइटी हैज डिफरेंट रिलीजियस, राइट, लिंग्विस्टिक,
religious, linguistic, and socio-economic problems or disparities. And the political parties are evolved out of that. They have their own history. Why they have one party system, two party system, or multi party system? It is there. It is the history, right, which has bound that society to go for this kind of political system. And it will not be very easy to change the political system in any country in a short duration of period, in a short period of time, right? तो रिफॉर्म अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल रिफॉर्म की तो एट द सेम टाइम हम ये जो है कि हमें ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि ऐसा कोई होलिस्टिक रिफॉर्म नहीं है जो कि जो है हम दे सकें अलग अलग कंट्री के लिए. वो क्या होगा? अलग अलग होगा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग कंट्री के चैलेंजेस भी क्या है, अलग अलग. कहीं पे कुछ चैलेंज है तो कहीं पे कुछ, कहीं पे फाउंडेशन का चैलेंज है तो कहीं पे एक्सपेंशन का चैलेंज है और कहीं पे फिर डीपिन का भी चैलेंज है, ठीक है. तो रिफॉर्म्स भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे. इज दैट क्लियर? यस सर. यू मे कंटिन्यू. यस सर. वी कैन नॉट प्रिस्क्राइब अ प्रोसीजर फॉर कार रिपेयर विदाउट नोइंग व्हिच मॉडल द कार इज, व्हाट द डिफेक्ट इज, एंड व्हाट टूल्स आर अवेलेबल, वेयर द कार हैज ब्रोकन डाउन, एटसेट्रा. कैन वी एट लीस्ट हैव अ लिस्ट ऑफ सच रिफॉर्म्स फॉर आवर कंट्री इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट? We can develop some proposals for reforms at the national level, but the real challenge of reforms may not lie at the national level. Some of the crucial questions need to be thought at the state or local level. Besides, such a list may become irrelevant after some time. So instead of that, let us think of some broad guidelines that can be kept in mind while devising ways and means for political reforms in India. ठीक है, तो हम national reform के बारे में अगर सोचें. नेशनल रिफॉर्म के बारे में सोच रहे हैं तो ठीक है, नेशनल लेवल पे कुछ रिफॉर्म ला दीजिए. बट एट द सेम टाइम व्हेन यू आर ब्रिंगिंग आउट रिफॉर्म फॉर एट अ नेशनल लेवल, राइट, इट डजंट मीन दैट द रिफॉर्म्स विल बी डन एट द स्टेट एंड द लोकल लेवल, राइट. और ऐसे रिफॉर्म भी क्या होता है, एक समय, एक टाइम के बाद क्या हो जाता है, इररिलेवेंट हो जाता है. तो अब रिफॉर्म्स जो लाने हैं, कैसे रिफॉर्म्स होने चाहिए, तो रिफॉर्म ना ला के कुछ गाइडलाइंस बता दिया जाए कि इस गाइडलाइन को पढ़िए और आपका रिफॉर्म जो है कहीं ना कहीं इसी के बेस पे होना चाहिए. इन ऑर्डर टू गो फॉर अ रिफॉर्म, दीज आर द सेट्स ऑफ, देयर आर सम सेट ऑफ गाइडलाइंस, राइट, एंड एवरीबॉडी नीड्स टू यू नो हैव अ लुक ऑन दीज गाइडलाइंस व्हाइल दे आर गोइंग अहेड विद पॉलिटिकल रिफॉर्म और डेमोक्रेसी रिफॉर्म. समझ में आ रही है बात? यस सर. यस सर. यस सर. ठीक है, कंटिन्यू करो फर्स्ट पॉइंट. बट इट सेज, यस सर, इट इज वेरी टेम्पटेटिंग अटेम्प्टिंग टू थिंक ऑफ लीगल वेज ऑफ रिफॉर्मिंग पॉलिटिक्स, टू थिंक ऑफ न्यू लॉज टू बैन अनडिजायरेबल थिंग्स, बट दिस टेम्पटेशन नीड्स टू बी रेजिस्टेड. नो डाउट लॉ हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन पॉलिटिकल रिफॉर्म. केयरफुली डिवाइज चेंजेस इन लॉ, अंडरलाइन करो सर. यस सर. केयरफुली डिवाइज चेंजेस इन लॉ कैन हेल्प टू डिस्करेज रॉन्ग पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस एंड इनकरेज गुड वंस. But legal constitutional changes by themselves cannot overcome challenges to democracy. This is like the rules of cricket. A change in rules for LBW decisions help to reduce negative batting tactics. But no one would ever think that the quality of cricket could be improved mainly through change in the rules. This is to be done mainly by the players, coaches and administrators. Similarly, democratic reforms are to be carried out mainly by political activists, parties, movements, underline. Conscious citizens. Yes, sir. Sir, next point. Done. Okay, so what this point is all about? ये point क्या कहता है? कि जब हम reform के बारे में सुन जो है कि पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है सुनने में. तो अट्रैक्टिव ऑप्शन है. अच्छा, रिफॉर्म, हाँ रिफॉर्म होना चाहिए. सभी कहेंगे रिफॉर्म लाना चाहिए. हाँ हाँ लाना चाहिए. अब वो रिफॉर्म कैसा होना चाहिए? ठीक है, हम रिफॉर्म ला रहे हैं तो हम कोई नया कानून बनाएंगे, उसी रिफॉर्म के जरिए कानून लाएंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे जो गलत तरीका अपनाया जा रहा है वो रुके. ठीक है, अच्छी बात है. बट क्या हमेशा कानून बनाना जरूरी है? इसका लॉ तो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है पॉलिटिकल रिफॉर्म में, ठीक है, बट जो नेगेटिव टैक्टिस है, क्या उसको लॉ हमेशा जो है उसके लिए, नेगेटिव टैक्टिस क्या
बंद नहीं हो सकता क्या? हमेशा लॉ बनाना पड़ेगा? ठीक है, तो जो ये चैलेंजेस है, इस चैलेंज अगर एक आप नेगेटिव टैक्टिक्स को आपने रोकने की कोशिश की, आपने लॉ लेकर जो है कि उसे बंद किया, ठीक है, या रोक दिया, तो दूसरा नेगेटिव टैक्टिक्स हो सकता है, तीन चार और नेगेटिव टैक्टिक्स फर्दर क्या हो जाए, पब्लिक डोमेन में आ जाए। तो यहां पे एग्जांपल दिया गया है क्रिकेट का, कि क्रिकेट में LBW क्या है? अब जैसे बॉल, कोई बॉलर है, बॉल फेंक रहा है, ठीक है, बैट से नहीं लगा तो पैर से लगा दो, बस विकेट ना गिरने पाए, आउट ना हो, तो फिर उसके लिए क्या था? नेगेटिव वे था प्लेइंग का, उसके लिए LBW लाया गया। बट एट द सेम टाइम ये सोचो, एक गलत तरीका रोकने के लिए एक लॉ बना दिया गया। अगर लॉ ना बने और अपने से सब खुद लोग, जितने लोग खेल रहे हैं, चाहे वो प्लेयर्स हों, चाहे कोचेज हों, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर हों, अगर वो सब खुद चाहकर जो है कि क्या करें, खेले, मतलब खुद ऐसा चाहें कि भाई नेगेटिव टैक्टिक्स ना आने पाए किसी भी तरीके से, तो क्या नेगेटिव टैक्टिक्स आएगा क्या? नो सर, नहीं आएगा। नहीं आएगा, तो रिफॉर्म ला रहे हैं, रिफॉर्म ला के जो है लॉ ला के हम चाहे तो, अगर हम कहें कि डेमोक्रेसी का चैलेंज खत्म हो जाएगा, तो ये गलत है। इसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग, पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट हो, सोशल एक्टिविस्ट का इन्वॉल्वमेंट हो, पॉलिटिकल पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट हो, सभी लोग चाहे कि जो डेमोक्रेसी एक बेहतर तरीके से इवॉल्व होके आए, तब जाके डेमोक्रेसी भी इवॉल्व होके आएगी। पॉलिटिकल पार्टीज, अगर सारे पॉलिटिकल पार्टी सोच लिए कि हम नेगेटिव प्रैक्टिस को नहीं प्रैक्टिस करने वाले, लॉ रहे या ना रहे, तो बेहतर जो है आउटकम आएगा, तब हो सकता है चैलेंजेस फर्दर आए, कम आए। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। कोई भी कंट्री कानून बना रही है तो कानून कितना बना लोगे? जब हम तोड़ने पे ही लगे हैं कि नहीं, हम तो तोड़ेंगे ही, बनाओ, एक बनाओगे हम चार तोड़ेंगे, बस ये कानून बनाना एक बढ़िया ऑप्शन नहीं है। लोग अगर चाहेंगे तभी, ठीक है, क्या हो पाएगा, इस प्रॉब्लम को हम रेक्टिफाई कर पाएंगे, ये प्रॉपर रिफॉर्म होगा एक्चुअली। तो गवर्नमेंट लॉ बनाने से पहले कुछ ऐसा करे, कुछ ऐसे गाइडलाइन के बारे में सोचे जिससे कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो जाए, ठीक है। आई होप माई मैसेज इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस सर। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट। यस सर, क्लियर। यस सर, सेकंड पॉइंट। Any legal change must carefully look at what results it will have on politics. Sometimes the result may be counterproductive. For example, many states have banned people who have more than two children from contesting panchayat elections. Underline. Yes, sir. This has resulted in denial of democratic opportunity to many poor and women, which was not intended. Generally, laws can seek to ban something are not very successful in politics. Laws that give political actors incentives to do good thing have more chances of working. The best laws are those which empower people to carry out democratic reforms. The Right to Information Act is a good example of a law that empowers the people to find out what is happening in government and act as watchdogs of democracy. Such a law helps to control corruption and supplements the existing laws that banned corruption and imposed strict penalties. So what the second point says? तो अगर कोई लीगल चैलेंज, अगर कोई लीगल चेंज करने के लिए जा रहे हो, देन यू मस्ट थिंक ऑन दैट बिफोर गोइंग अहेड, ठीक है। कभी कदार ऐसा भी होता है कि लीगल चेंज के लिए जा तो रहे हो, बट उसका रिजल्ट क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। सोचा कि किसी सोचा था कुछ और, हो कुछ और रहा है। जैसे अब ये भी एक तरीका है, हमें ओवर पॉपुलेशन, एक मैंने शायद कल ही बता दिया था फॉरेस्ट सोसाइटी और वाइल्ड लाइफ में, ओवर पॉपुलेशन इज द मदर ऑफ ऑल द प्रॉब्लम, ठीक है। ये मैंने कहा, जब मैंने कल कहा, तो अब इसका क्या तरीका है, पॉपुलेशन कंट्रोल करना है। तो ओवर पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए? ओवर पॉपुलेशन कंट्रोल करने का तरीका है कि भाई लोगों को एनकरेज किया जाए कि भाई ओवर पॉपुलेशन, लोगों को एनकरेज और अवेयर किया जाए, ओवर पॉपुलेशन नहीं होगा, जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सटेंड ना किया जाए। हाँ, पॉलिटिकल एरिना में अगर देखो, एरिना मतलब फील्ड, राइट, ये WWE का अरेना मत समझना इसको। तो उस पॉलिटिकल फील्ड में जो लोग इन्वॉल्व हैं, उनमें अगर ये कह दो कि इफ यू हैव मोर देन टू चिल्ड्रन देन यू आर नॉट एलिजिबल टू कंटेस्ट इलेक्शन,
this will not be very good option. Because you are living in a democracy. Democracy means rule of people, rule by people. Of the people, for the people, by the people, I think you all are aware of. Right? And if, yes, if you are denying someone because he or she has more than two children, then this is not a democratic practice. Right? So rather than going ahead with this kind of option, another option must be taken. Right? Jaise ki, अब इसके अलावा और क्या ऑप्शन हो सकता है? इसके अलावा ऑप्शन ये हो सकता है कि दोज वैसे क्या हो सकता है? एनी सजेशन एनीवन हैज? सपोज पॉपुलेशन कंट्रोल करने का ये एक अच्छा तरीका है कि भाई पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है, दो से ज्यादा बच्चे ना हो. ठीक है, और क्या तरीका हो सकता है जिससे लोग इन्वॉल्व होंगे पॉलिटिकल पार्टी, मतलब पॉलिटिकल एक्टिविटी करने में और पॉपुलेशन कंट्रोल करने में? पॉलिटिक्स को छोड़ दो, पॉलिटिक्स को छोड़ दो, कुछ और सोचो. तो हम इसको अगर बुरा कह रहे हैं तो हम बुरा किस सेंस में कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी में सभी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. ठीक है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए. हम ये कह सकते हैं जो एक जो बेनिफिट्स गवर्नमेंट देती है लोगों को, उस बेनिफिट्स पे इंक्रोचमेंट लग सकता है. राइट, वो बेनिफिट्स क्या, उस बेनिफिट्स पे क्या मिल सकता है? इंक्रोचमेंट. सर्टेन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो ज्यादा, जिनका अगर सर्वे किया जाए और देखा जाए किसका पॉपुलेशन सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, उनको सर्टेन, उनको जो गवर्नमेंट बेनिफिट्स है उनसे क्या किया जाए, किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है टिल द टाइम दे आर ओबेइंग द लॉज. राइट, तो ये पॉलिटिकल वे में नहीं हुआ, ये इसमें डेमोक्रेटिक इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ. समझ में आ रही है बात? अब हो सकता है कोई और सजेशन आप लोग दे दो. ठीक है, वो भी जो है कि कहीं ना कहीं अगर मॉनेटरी बेनिफिट दे रहा है गवर्नमेंट को, ओवर पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए जो है प्रेरित कर रहा है, तो ठीक है, अच्छा है. इससे और इससे जो है दूसरा तरीका क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस लोगों को पढ़ाया जाए, लोगों को बताया जाए. ठीक है, करिकुलम में ऐड हो, प्रोस एंड कॉन्स समझाया जाए. आज नहीं तो कल उसको कंट्रोल में किया जा सकता है. वी कैन नॉट गो लाइक चाइना हैज डन अर्लियर. आप जानते होंगे चाइना का केस, वन चाइल्ड पॉलिसी. राइट, चलो यस सर. तो हम लोग थोड़ा यहाँ पे एक्सपैंड हो गए ज्यादा. ठीक है, ज्यादा हम लोग जो है एक्सप्लोर करके समझ रहे हैं, जरूरत नहीं है बट इतना समझो. राइट, अब जैसे आरटीआई जो है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई क्या है? एक तरह का ट्रांसपेरेंसी बिल्डअप कर रहा है. Yes, ट्रांसपेरेंसी yes, किसके बीच में? लोगों के बीच में और उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में. देखिए, यू हैव द राइट, ये एक हेल्दियर वे है. जो पहले वाला था वो हेल्दियर वे नहीं था. डेमोक्रेसी में हमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट करना है, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन करना है. ठीक है, ताकि डेमोक्रेसी और ज्यादा इवॉल्व हो. क्या समझ में आ रही है बात? जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो मॉनिटरी जो है कि पॉइंट ऑफ व्यू से दिया. ठीक है, वो उसमें पॉलिटिकल अरिना का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि भाई किसी को हमने डिनाई किया कि यू डोंट हैव पॉलिटिकल राइट, यू कैन नॉट गो फॉर एनी इलेक्शन. राइट, समझ में आ रही है बात? यस सर, यस सर. देयर आर अदर वेज आल्सो एंड वी शुड ऑलवेज अडॉप्ट द वेज व्हिच आर मोर हेल्दियर देन द अदर वन देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. राइट, तो अब आगे अगर आप देखो तो आरटीआई वो हम लोगों ने समझ लिया है. ठीक है, और आरटीआई अगर आपने जो है कि प्रॉपर तरीके से लोग, अब सभी लोग अगर आरटीआई यूज करें, आरटीआई है, आरटीआई फाइल कौन करता है? आरटीआई फाइल करते हैं जो लॉयर्स हैं. ठीक है, कुछ पब्लिक पार्टी जो है कि सोशल एक्टिविस्ट हैं वो फाइल कर देते हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं वो फाइल करते हैं. क्या एक आम आदमी आरटीआई फाइल करता है? नहीं, नहीं करते. अपोजिशन पार्टीज हैं वो आरटीआई फाइल करते हैं. किसके अगेंस्ट? किसके लिए? जो गवर्नमेंट वर्किंग है उनके उनके लिए, उनके अगेंस्ट. एक्चुअली उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए. एक कॉमन पीपल आरटीआई फाइल नहीं करता है. कॉमन पीपल घर से निकलता है, ठीक है, ड्यूटी करके शाम को घर पे आके बस, और फिर न्यूज चला के देखते हैं और देखते हैं कौन सा न्यूज आ रहा है. तो ज्यादा से ज्यादा कुछ ही लोग हैं जो आरटीआई फाइल करते हैं. तो अगर पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग आरटीआई फाइल करके चीजों को पूछने लगेंगे, देखने लगेंगे, तो आपको नहीं लगता कि करप्शन कम होगा? यस सर, यस सर, लगता है. यस सर, है ना. चलो,
अब जैसे ये ठीक उसी तरीके से जैसे आपने कई सारे सब्जेक्ट पढ़े, ठीक है, उनमें से एक सब्जेक्ट के टीचर ने आपसे कह दिया कि आप जो है कि सोशल साइंस का काम किया है कि नहीं, तो आपको पता लग गया कि सर पूछेंगे, चलो क्वेश्चन का आंसर पता पूछेंगे, तो पढ़ के बैठना है इनके क्लास में, ठीक है, नोट्स बना के बैठना है इनके क्लास में, नोट्स भी चेक करते हैं, ठीक है, अब ऑनलाइन में थोड़ा कम है, ऑफलाइन में ज़्यादा होता है, ठीक है, तो बस सोशल पे ध्यान दो, एक सेगमेंट पे ध्यान दो, बाकी सेगमेंट में अगर नहीं पूछा जा रहा है तो मत ध्यान दो, कुछ ही लोग होंगे जो ध्यान देंगे, बाकी लोग नहीं ध्यान देंगे, और सभी लोग अगर इन्वॉल्व हो गए तो क्या होगा, सभी का काम होगा पूरा, ठीक है। यस सर, चलो आगे बढ़ो। यस सर, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स आर टू बी ब्रॉट अबाउट प्रिंसिपली थ्रू पॉलिटिकल प्रैक्टिस, देयरफॉर द मेन फोकस ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स should be on ways to strengthen democratic practice. As we discussed in the chapter on political parties, the most important concern should be to increase and improve the quality of political participation by ordinary citizens. मैंने लगता है इतना discussion जो किया है तो ये तो अपने आप clear हो गया है। Yes sir. Okay. Yes sir, clear. Yes sir. Any proposal for political reforms should think not only about what is good. About what is a good solution, but also about who will implement it and how. It is not very wise to think that the legislatures will pass legislations that go against the interest of all political parties and MPs. But measures that rely on democratic movements, citizens, organizations, and the media are likely to succeed. Let us. तो इसका मतलब ये है कि political reform के लिए हमें वही ultimately यही इसमें बताया जा रहा है कि हमें जो है क्या करना है. कि अगर हम ऐसा सोचते हैं, ये अच्छी बात है कि हमने लॉ बनाया और हम पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, एमपीज के लिए जो है लॉ बना रहे हैं, ठीक है टू एन एक्सटेंट, बट इससे भी ज्यादा ठीक क्या होगा जब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, जो मीडिया है, जो मूवमेंट्स हैं, जो रैलीज हैं, इस पे ज्यादा ध्यान देते हुए अगर, मतलब ये सब कब होगा, जब ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, राइट, जब ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करेंगे, जब सोचेंगे कि ये रूल कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स का नहीं है, ये रूल तो लोगों का है, ये ऐसा अगर लॉ बना रहे हैं तो ये लॉ कैसे बना रहे हैं, ठीक है, तब होगा। मतलब अगर कोई चीज गलत होगा तो सबके लिए गलत होगा, ठीक है, अगर कोई कानून अगर अभी ये बना दिया जाए कि कानून अगर सपोज ये बना दिया गया है कि भाई आपको क्या करना होगा कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर दिल्ली गवर्नमेंट ये कानून बना दे अभी मान लेते हैं, ठीक है, कि आप लोगों को सभी को 2 साल का फीस देना है, स्कूल के बच्चों को कह दिया जाए, सरकारी हो या प्राइवेट हो, सभी को फीस देना है, आपको नहीं लगता है अनरेस्ट फैलेगा? चलो ये सेगमेंट अगर छोड़ दो फीस का, दूसरा और कुछ एग्जाम्पल ले लें, डिडक्शन कर दें सैलरी में, फर्दर और जो है डिडक्शन कर दें, ठीक है, या फिर जो एमसीडी के कर्मचारी हैं उनके जो है कि पैसे रोक दें और कुछ महीनों के लिए, ठीक है, तो ये सारे इश्यूज हैं जिसमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग फिर उसमें इन्वॉल्व होंगे, अब और भी इश्यूज बड़े हो सकते हैं, वो तुम सोचो और फिर डिसाइड करना, ठीक है, तो अभी सब चीजों से क्या होता है कि लोगों को प्रॉब्लम होगी, जब लोगों का प्रॉब्लम होगा तो लोग सड़क पे आएंगे, एमसीडी वाले काम करना छोड़ देंगे, ठीक है, काम करना छोड़ देंगे तो पूरा केओस फैल जाएगा, जानते हो ना, कभी फेस किया है आपने जब एमसीडी स्ट्राइक पे जाती है तो? यस सर, यस सर, ठीक है, तो इस तरीके से कुछ जो है कि अगर रिफॉर्म लाने की बात है तो लोग जो है कि अपनी बातों को कहें, मूवमेंट वगैरह, रैलीज वगैरह, ठीक है, जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया सेंटर्स हैं वो, ठीक है, तो ये सब का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट अगर होगा तो ज्यादा जो है बेहतर आउटकम आएगा, रादर देन लॉ लाके किसी को रिफॉर्म करने के लिए, कानून बना के जो है कि आप कितने दिन तक कानून बनाओगे, ठीक है, चलो ये कुछ गाइडलाइंस है जो कि हेल्प करेंगे किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को और ज्यादा डेमोक्रेसी इवॉल्व, मतलब और ज्यादा डेमोक्रेटिक बनने में, राइट, आगे रीड करो फिर बता रहा हूं। यस सर, लेट अस कीप दीस जनरल गाइडलाइंस इन माइंड एंड लुक एट सम स्पेसिफिक इंस्टेंसेस ऑफ चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी दैट रिक्वायर सम मेजर ऑफ रिफॉर्म, लेट अस ट्राई टू कम अप विद सम कंक्रीट प्रपोजल्स ऑफ रिफॉर्म, देयर आर सम चैलेंजेस दैट रिक्वायर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स. Discuss these challenges in detail, study the reform options offered here and give
your preferred solution with reasons. Remember that none of the options offered here is right or wrong. You can opt for a mix of more than one options or come up with something that is not offered here. But you must give your solution in details and offer reasons for your choice. मैंने आपको बताया the notion of development is different to different people. Economics में ही पढ़ लिया आपने. You know this. ठीक है, कुछ सही और गलत नहीं होता. ठीक है, सही अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ क्या सही है, तो आप क्या बताओगे क्या सही है? वो काम सही है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का क्या हो, बेटरमेंट. सर ज्यादा से ज्यादा लोगों का डेवलपमेंट. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का बेटरमेंट हो वही सही है. ठीक है, मैंने शायद आप लोगों को बताया था ट्रुथ के बारे में नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ाते वक्त. यस सर. मैंने पढ़ाया आप लोगों को नेशनलिज्म इन इंडिया? नो सर. नो सर. अच्छा अच्छा, तो कोई बात नहीं. मतलब जो है कि क्या होता है ट्रुथ, क्या होता है? गांधी जी कहते थे देयर इज अ नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ. ट्रुथ क्या है? जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का बेनिफिट हो वही ट्रुथ है. कोई कॉन्क्रीट ट्रुथ नहीं है. कुछ ट्रुथ ऐसे हैं जिसको सभी लोग मानते हैं ट्रुथ हैं, और उसको जो है कि कह दिया गया है दीज आर यूनिवर्सल ट्रुथ. ठीक है, अगर ट्रुथ ट्रुथ है तो उसको यूनिवर्सल क्यों कह रहे हो? इट मीन्स ट्रुथ वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, विच अल्टीमेटली सेज दैट ट्रुथ इज नॉट अ ट्रुथ. राइट, समझ में आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यस सर. यस सर. ठीक है, चलो. डॉक्टर एब्सेंटीज एंड पॉलिटिकल फंडिंग, ये चैलेंजेस हैं. टेक टू मिनट्स, राइट, रीड आउट दिस एंड लेट मी नो, जिससे मैं पूछूं वो आंसर करें. राइट, ओनली फॉर टू मिनट्स. इट्स 26:28. Done, sir.
यस रीड हो गया क्या हो रहा है सर आप ऑलरेडी मीटिंग में थे सर मीट की सर एज की दो विंडो खुली है सर आप यहां से लीव कर दीजिए ओके मुझे लगा कि मैंने मीटिंग मीटिंग से आउट हो गया मैं ठीक है तो आप लोगों ने रीड कर लिया होगा आयुब राइट यस सर ये आवाज क्यों नहीं आ रही है यस सर यस सर यस सर ठीक है तो मैं स्क्रीन शेयर किया है आप लोगों से यस सर टेन नाइस सारा बिगड़ गया है ना डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स राइट नहीं पे थे हम लोग आई थिंक ओके हम लोग डिस्कस कर रहे थे केस बताओ इस केस के बारे में क्या पढ़ा आप लोगों ने डॉक्टर्स एब्सेंटीज़ में आपने क्या पढ़ा इसमें चैलेंज क्या है कौन आंसर करेगा आप में से मनोज बताइए यस सर सर ये डॉक्टर एब्सेंटीज में बताया कि एक उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक सर्वे किया जिससे वो देखते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं रूरल एरियाज के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में वो ज्यादातर वहाँ पे नहीं होते हैं तो जो जो वहाँ के वो जो डॉक्टर्स हैं जो वहाँ के रूरल एरियाज में जिन्हें पोस्ट किया गया है वो ज्यादातर अपने किसी ना किसी टाउन में अपना अपना एक प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं मतलब एक प्राइवेट केबिन खोल के वहाँ पे अपने प्रैक्टिस करते होते हैं और वो रूरल एरियाज में ज्यादा से ज्यादा दो तीन बार मंथ में आया करते हैं तो इसलिए विलेजर्स जो वहाँ के विलेजर्स कॉमन लोग हैं उन्हें टाउन्स में जाना पड़ता है और छोटी से छोटी चीज़ों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फीस देनी पड़ती है उन्होंने उसके बाद यहाँ पे कुछ रिफॉर्म बताएं जो इसके लिए पॉसिबल हो सकते हैं ताकि इस प्रॉब्लम को हटाया जा सके तो उसमें सबसे पहले ये बताते हैं कि जो जो गवर्नमेंट है सर वो डॉक्टर्स के लिए कंपलसरी कर दे कि वो विलेज में रहे और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उसे उस पोस्ट से टर्मिनेट कर दिया जाए मतलब उस पोस्ट से हटा दिया जाए सस्पेंड कर दिया जाए उसके बाद सर उसने दूसरा बोला है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर है उस विलेज का तो जो विलेज है वो जिस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो रेगुलर अटेंडेंस उनकी चेक करता रहे और रेड्स भी कैरी आउट करते रहे ताकि उन्हें पता चले कि डॉक्टर प्रेजेंट है या नहीं है और सर जो वहाँ की विलेज पंचायत है जब भी वहाँ पे कोई मीटिंग हो तो वो एनुअली उसकी रिपोर्ट चेक करता रहे मतलब वो कब कब प्रेजेंट आ रहा है वहाँ का डॉक्टर उसकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में वो प्रेजेंट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है या फिर अपना टाउन में जाके दोबारा अपनी कैबिन ओपन कर रहा है और सर इसमें एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये भी बताया गया कि जो उत्तर प्रदेश है बहुत बड़ा स्टेट है तो इन्हें सेवरल स्मॉल स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जाए ताकि ये मोर एफिशिएंटली वर्क कर सके तो आपने देखा प्रॉब्लम क्या है और मतलब एक तरह से चैलेंज ये ही है कि डॉक्टर्स एब्सेंट हो रहे हैं कहाँ गाँव में जो उनको जहाँ पे जाना चाहिए दे आर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स राइट दे आर गवर्नमेंट्स डॉक्टर राइट एंड दे शुड गो टू विलेज एरिया एंड लुक फॉर द पेशेंट्स but they are not doing so they are earning they are indulged there in their own profit right they are making more profit out of that they are getting salary as well as they have their own clinic right they are looking only those people they who are giving them money right so this is the challenge in front of government and what sort of actions government should take against these kind of doctors so these are the different suggestions proposals for reform right and you can suggest anyone out of that right And when you are opting anyone out of that, then you must have an explanation for this, right? So we are already aware of this that you know for a problem there are many solutions, right? And what we need to do, we need to just pick out the best option. What is the best option? The best option is that will be that which will have a you know
good impact, right, on the majority of the population. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Which will more beneficial actually for the majority of population. Okay. Next one is political funding, right? I think you all are aware of this, right? Batao Manas, kya hai ye? यस सर सर सेकंड केस में सर हमें ये बता रखा है कि सर जो लास्ट लोकसभा इलेक्शंस हुए थे उसमें जो भी कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया था उन सब के पास प्रॉपर्टी थी मोर देन 1 करोड़ तो सर इससे एक फियर जनरेट होता है सर डेमोक्रेसी में कि जो वेल्दी लोग हैं सर जो वेल टू डू लोग हैं सिर्फ वही लोग इलेक्शंस में उठ सकते हैं वही लोग इलेक्शंस में फाइट कर सकते हैं और सर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी मोस्टली जो बिग बिजनेस हाउसेज हैं यानी जो बिग बिजनेस मैन है सर उनके फंडिंग से चलती हैं अच्छा रुको रुको ये सब मैंने तो आप लोगों को पढ़ाया होगा यस सर आपने पढ़ाया है यस सर है ना यस सर तो सर और इसमें बताया गया है कि इसमें वरी ये है कि जो पुअर हैं जो जो वाकई में कैपेबल हैं फिर जो वाकई में आना चाहते हैं मतलब जो कंटेस्ट करना चाहते हैं कहीं वो इस मनी पावर के गेम में कहीं नीचे ना रह जाएं सर ये हमारा मेन जो चैलेंज है वो ये है सर इसके जो प्रपोजल्स गिवन है वो ये है कि जो फाइनेंस अकाउंट है हर पॉलिटिकल पार्टी का उसको पब्लिक कर देना चाहिए और जो जो गवर्नमेंट ऑडिटर्स हैं यानी जो गवर्नमेंट जो मतलब जो रेवेन्यू चेक करते हैं जो कि ये अकाउंट्स वाला काम करते हैं वो उनको ऊपर से एग्जामिन करेंगे सर पहला रिफॉर्म ये है सेकंड जो रिफॉर्म प्रपोजल है वो ये है कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस होनी चाहिए सर मतलब जो गवर्नमेंट है या फिर जो गवर्नमेंट है हाँ वो पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करे ताकि ये तो ऑलरेडी आपने पढ़ा है यस सर ठीक है यस सर ये पढ़ा हाँ और सर थर्ड केस है सिटीजन शुड बी सर सिटीजन्स को जो डोनेशंस हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज और जो वर्कर्स हैं उनको देना चाहिए और सर ये जो डोनेशन है ये जो इनकम टैक्स होता है वहां से आना चाहिए सर ये थर्ड रिफॉर्म सर डोनेशन शुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स मींस यू विल नॉट बी यू नो लायबल फॉर इनकम टैक्स व्हेन यू आर गिविंग आउट मनी टू एनी पॉलिटिकल पार्टीज ठीक है तो पॉलिटिकल पार्टीज के पास बहुत पैसा होता है और उसकी वजह से इलेक्शन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है तो इलेक्शन के ऊपर इम्पैक्ट ना पड़े इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो लेवल प्लेइंग ग्राउंड हो सभी के लिए राइट तो ऐसा एक सिचुएशन एक चैलेंज है ये कि इस तरीके से हम जो है कि किस तरीका कौन सा तरीका अपनाए जो कि मोर डेमोक्रेटिक हो मोर जो है लोगों को मोर एंड मोर पीपल कैन हैव अ चांस ऑफ विनिंग द इलेक्शन जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा उसका ज़्यादा चांसेस बन जाता है ना ठीक है अब हो सकता है कि उसमें से बहुत सारे लोग ना भी जीते यू मस्ट हैव स्टार्टेड इन 9th आल्सो राइट बट एट द सेम टाइम इन्फ्लुएंस तो होगा उनका तो क्या क्या तरीके हैं रिफॉर्म्स के तो एक तरीका ये कि सबके अकाउंट्स एवरी पॉलिटिकल पार्टी के शुड बी मेड पब्लिक देख लो इनका अकाउंट इनके पास कितना पैसा है ठीक है और उसको हमेशा ऑडिट करते रहो किसी को रखो और देखते रहो ये कितना पैसा कहाँ से आता है कहाँ जाता है क्या करते हैं ये कर लो दूसरा ये कर लो कि भाई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अकाउंट वगैरह नहीं होल्ड करेगी जो भी इलेक्शंस में जिसका जिसको जितना वोट मिला है उस हिसाब से उनको क्या होगा फंडिंग मिलेगा स्टेट करेगी फंडिंग ठीक है आउट ऑफ दिस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ठीक है जो गवर्नमेंट ने जो लोगों ने इनकम टैक्स वगैरह पे किया टैक्सेस वगैरह उसी से आपको आपको क्या करना है उसी के बेस उसी में से आपको पैसा दिया जाएगा आपने जैसा परफॉर्मेंस किया होगा पिछले इलेक्शन में उस हिसाब से अब उसी पैसे में आपको जो है कि इलेक्शन लड़ना है कोई बाहर का पैसा नहीं होना चाहिए एक ये भी तरीका है या तो फिर सिटीजन से कहा जाए सिटीजन से पैसा लिया जाए जो डोनेशन देंगे पॉलिटिकल पार्टीज को उनको एग्जेम्पशन मिलेगा इनकम टैक्स से और पॉलिटिकल पार्टीज के पास अपना कहीं का भी बाहर से पैसा नहीं रहेगा समझ में आ रहा है रिफॉर्म आप लोगों को यस सर यस सर तो ये सारे रिफॉर्म्स हैं ये सब प्रपोजल हैं इनमें से कोई भी आप पिक करिए आप पिक कर रहे हैं तो उसका वैलिड रीजन दीजिए दैट्स ऑल और अलग अलग लोग अलग अलग बैलेट्स को क्या करेंगे पिक करेंगे राइट नाउ द नेक्स्ट वन इज रीडिफाइनिंग डेमोक्रेसी ये वाला पोर्शन पढ़ लीजिएगा रिफॉर्मिंग पॉलिटिक्स राइट एक बार पढ़ के नेक्स्ट क्लास में आइएगा और देन लेट मी नो दैट व्हाट दिस इज ऑल अबाउट राइट एंड देन इज रीडिफाइनिंग डेमोक्रेसी दैट अब दे जो ओवरऑल टूर था हमारा डेमोक्रेसी को उसको फिर से रीडिफाइन करने की कोशिश की जाएगी और उसमें बताया जाएगा कि व्हाट एक्चुअली दिस ओवरऑल डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट राइट यहाँ पे 9 एंड 10th दोनों क्या इंटीग्रेटेड है ये जो ओवरऑल लास्ट वाला चैप्टर है इंटीग्रेट करके बनाया गया जो अभी तक आपने पढ़ा है जो आपकी जर्नी रही है ये आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 होगा आपने वहां 9th में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 पढ़ा है याद है
इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड, आपने वन पढ़ा होगा वहां पे, इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड टू पढ़ रहे हो, ठीक है, इस क्लास में. तो दोनों क्या है, दोनों के जो बुक्स हैं वो एक्चुअली वन बुक है, उसको हाफ हाफ करके क्या कर दिया गया है, अलग अलग क्लास में लगा दिया गया है. वही सेम चीज ट्रू है इकोनॉमिक्स के लिए, वही सेम चीज ट्रू है आपकी जियोग्राफी के लिए, राइट. चलो तो यहाँ पे चलो, सो वी देन लुक एट मेनी केसेस एंड एक्सपेंडेड द डेफिनेशन स्लाइटली टू एड सम क्वालिफिकेशन. द रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल मस्ट टेक ऑल द मेजर डिसीजन. याद आ रहा है, पढ़ा है कहीं पे? इलेक्शन ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स. द इलेक्शन मस्ट बी फ्री एंड फेयर एंड दोज हु आर इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग इट. कहीं पढ़ा है इस तरीके से? यस सर, यस सर. चाइना का केस था. The choice and opportunity should be available to all people on the equal basis. Choice or opportunity सभी को मिलना चाहिए equal basis. Saudi Arabia में universal adult franchising. Yes sir. The exercise of this choice must lead to a government limited by basic rules of the constitution and citizens' right. चार पढ़े थे आपने, चार के चारों आपको देख रहे हैं? Yes sir. Case study के थ्रू पढ़े थे. ठीक है. What is democracy? Why democracy को यहाँ पे recall करने की जरूरत है? राइट right. और यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है. आज के डेट में चैप्टर टू चैप्टर वन बन गया है, बट यस राइट. तो नेक्स्ट क्या है आपका? यू मे फेल डिसअपॉइंटेड दैट द डेफिनेशन डिड नॉट रिफर टू एनी हाई आइडियल्स दैट वी एसोसिएट विद डेमोक्रेसी, बट एंड इन ऑपरेशनल टर्म्स वी डेलिबरेटली स्टार्टेड विद अ मिनिमलिस्ट बट क्लियर डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी. इट अलाउड अस टू मेक अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन ए डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइन. So yes, whatever we have discussed, these are basic principle, minimal principle, right? Any democratic regime must have the must follow these principle, right? And in the very class of what is democracy, why democracy, we must come across the broader meaning of democracy, where we have studied that in order to make a democracy a good democracy, we need to expand it further beyond what the minimal says, right? We should implement democracy in every sphere of life, right? In every organization, in every segment of every segment of the society, right? The democracy must be practiced. What is democracy? Actually, the democracy का मतलब ही है ये rule of people. जहाँ वे लोग हैं, वहाँ के लोग, majority of लोग जो कहते हैं वो होना चाहिए. That's it. If we are studying in a classroom, then whatever majority of students will say should be practiced. Should be done. तो ये हुआ democracy. It is we are implementing democracy in every sphere of life in this way. कोई भी organization है, बड़ा organization है, कोई decision ले रहे हैं तो workers को consider करते हुए, workers से पूछते हुए जो है कि उस वहां पे decision ले. हाँ, कुछ crucial issues हैं उसमें नहीं जरूरत है, but ज्यादातर case में ले सकते हैं, right? So you may have noticed that in the course of our discussion of various aspects of democratic government and politics, we have gone beyond the that definition. ठीक है, अब ये क्या है definition की beyond जो हम जा रहे हैं, गए थे. एक बार read करो अर्णव. इससे पहले अर्णव, I think तुम ही read कर रहे थे ना इससे पहले? Yes sir. अच्छा, मानस read कर लो. Yes, sir. You may have noticed that in the course of our discussions of various aspects of democratic government and politics, we have gone beyond that definition. We discussed democratic rights at length and noted that these rights are not limited to the right to vote, stand in elections, and form political organizations. We discussed some social and economic rights that a democracy should offer to its citizens. We have taken up power sharing as the spirit of democracy and discussed how power sharing between governments and social groups is necessary in a democracy. ये सब पढ़ा है हम लोगों ने कि ये हमें political rights मिल गए हैं तो बहुत हो गया, right to vote हो गया तो बहुत हो गया. हमें मतलब नहीं, in the sense कि बहुत नहीं हो गया, हमें right to vote के अलावा भी कुछ चाहिए, socio economic rights भी चाहिए हमें. Yes sir. ठीक है, power sharing भी हमने पढ़ लिया, right? फिर majority and minority वाले portion को भी हमने power sharing में ही पढ़ा है कि क्या majority है, क्या minority है, majoritarianism अगर हुआ तो क्या होगा, राइट. एकोमोडेशन अगर करेंगे तो क्या होगा, राइट. चलो रीड करते रहो, अपने आप लोग समझते जाओगे. जो पढ़ा है सब रिकॉल करते चलो. यस सर.
We saw how democracy cannot be the brute rule of majority and how a respect for minority voice is necessary in a democracy. Our discussion of democracy has gone beyond the government and its activities. We discussed how eliminating discrimination based on caste, religion, and gender is an important part in a democracy. Finally, we have had some discussion about some outcomes that one can expect from a democracy. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Chalo, you may continue. Yes, sir. In doing so, we have not gone against the definition of democracy offered last year. We began then with a definition of what is the minimum a country must be to be called a democracy. Underline. In the course of our discussion, we moved to the set of the desirable conditions that a democracy should have. We have moved from the definition of democracy to the description of a good democracy. Mm. How do we define a good democracy? What are its features? Which are the features of a democracy? Which are the features a democracy must have to be called a good democracy? And what must not take place in a democracy if it is a good democracy? You decide that. No, this is not for me. This is for you. Right. You decide it. Even being a citizen of this country, I must also have some views, right, perspective, and I do have. So as far as you have studied this, whatever you have studied in 9th and whatever you have studied in 10th, you must have developed some sort of perspective in your mind, right? You are not doing it because this will come in your 10th examination, this will come in your NTSC examination. Rather, being a citizen of India, you must be aware of what is good and what is bad, what will be the better, what will be good for our society and what will not be, right? How our socioeconomic development will further increase or go, right? So these are all the things which you need to take care of, right? I think that the civics is clear to all of you till here. Yes sir. तो जो जो पढ़ा है उसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस यहां पे पूछे जा रहे हैं सर एक बार आप जो फर्स्ट पॉइंट था इसका वी डिस्कस डेमोक्रेटिक राइट्स एट लेंथ सर ये चैप्टर रिवाइंड करा देंगे सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कौन सा सर जो फर्स्ट पॉइंट है सर वी डिस्कस डेमोक्रेटिक राइट्स एट लेंथ जिसमें सर डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं पढ़ा आपने लास्ट चैप्टर ऑफ सिविक्स यस सर हां याद आ गया ओके सर ठीक है पढ़ा था ना यस सर मैं 10th में सर ढूंढ रहा था डेमोक्रेटिक राइट्स हां ओके सर ठीक है चलो रीडिंग बिटवीन द लाइंस इसका क्या मतलब हुआ वी आर टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग व्हाट इज रिटन ओवर देयर राइट अच्छे से उसको पढ़ रहे हैं अच्छे से समझ रहे हैं आगे नेक्स्ट क्या है चलो नेक्स्ट ये आपको फिल करना होगा राइट इसको जरूर करिएगा ये वाला तो डेफिनेटली करिएगा लिबरल जेंडर इक्वालिटी व्हाट दिस सेज क्या दिखा रहा है ये सो इन दिस पार्टी लिबरल पार्टी यू आर सेइंग दैट ओनली वन फीमेल इज हियर राइट यस सर सर व्हाइल दे आर डिमांडिंग फॉर जेंडर इक्वालिटी इन होल कंट्री एंड दे हैव ओनली वन फीमेल लीडर और ओनली वन कैंडिडेट Campaign money, I think you can have a view of this, that in order to go to the White House, what you need to have the dollars. Dollars will pave the way to enter this White House, to have an entry in this White House, actually. So can you see the democracy there? So this is a question. The second person is asking with the first question. What this shows? Sir, is it contrasting the military rule with democracy? Yes, somewhere. Right. That if you are using gun, right, don't expect democracy. If you are using gun, this will harm you only. And you cannot see democracy then. Right? Yes. Yes, sir. Mubarak re-elected. What is this? Mubarak re-elected?
इसको फाइंड करो, ही इज अ लीडर ऑफ सम ऑफ अ रीजन ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, राइट? पढ़ो उनके बारे में और बताओ, ठीक है? तो ये वाला देख लेना सेक्शन, कौन है मुबारक, एंड देन वी आर ऑल डन विद दिस. इज देयर कोई डाउट? नो सर. नो सर. कुछ पूछना है सर? मुबारक नेम है कि सर कॉन्ग्रेचुलेशंस है? मुबारक नेम है या कॉन्ग्रेचुलेशन है? यस सर, इसमें कॉन्ग्रेचुलेशन ही कह रहे हैं. हाँ, एक्चुअली इसमें कॉन्ग्रेचुलेशन ही जो है कहा जा रहा है, ठीक है? अब देखो तो इसको आप ऐसे समझो कि बैलेट बॉक्स खुला नहीं, ठीक है, और अपने आप को क्या घोषित कर दिए कि हम जीत गए, ठीक है? तो अब ऐसे समझ लो इसको, राइट? मुबारक, चलो इसको देख लेना फर्दर वैसे कहाँ के हैं, बट यहाँ पे ये बॉक्स खुला नहीं है अभी और इन्होंने जीत हासिल कर ली है, तो क्या ये डेमोक्रेटिक वे हुआ? नो सर. नो सर. ठीक है, तो ये डेमोक्रेटिक वे नहीं. नेक्स्ट, यहाँ पे मनी एंड मसल पावर आप देख ही रहे हो, यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी, यहाँ पे भी मनी का पावर देख रहे हो आप, ठीक है? एनी डाउट एनीवन हैज? नो सर. नो सर. अब इसके बाद नेक्स्ट आपका है, विच वन इज द नेक्स्ट वन? एज डिस्कस कि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो ज्योग्राफी आ जाओ. कहाँ गया भाई ज्योग्राफी? वेयर इज ज्योग्राफी? कंटेम्प्रेरी इंडिया ही है ज्योग्राफी? Yes, sir. Yes, sir. ज्योग्राफी yes. में तो आई थिंक सभी चैप्टर आपने पढ़ लिए हैं सिर्फ एक को छोड़कर. यस सर. अच्छा, अब ये चैप्टर क्योंकि आपके सीबीएसई के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और एनटीएससी के लिए, अब जो पेस था मेरा थोड़ा वो पेस रिड्यूस होगा, ठीक है? जो वे था मेरा पढ़ाने का एक्चुअल, जो मैं देखता हूँ जिस तरीके से पढ़ाता हूँ, वो स्टार्ट होगा. इसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये नोट्स बनाना होगा, पढ़ के आना होगा, ठीक है? तो लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ठीक है, ओवरऑल जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है वो किस चीज के बारे में पढ़ा है? हमने देखोगे तो घूम फिर कर सेक्टर्स ही पढ़ा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ही पढ़ा है. पर ऐसे कहो लेमन टर्म में ट्रेड ही पढ़ रहे हो आप. क्या पढ़ रहे हो? ट्रेड. ट्रेड, ठीक है. हिस्ट्री में भी पढ़े तो ट्रेड पढ़े. द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप क्यों पढ़ रहे हो? ट्रेड, ठीक है. ट्रेड, आइडेंटिटी, नेशन स्टेट, इक्वालिटी, मतलब जो लिबरल्स हैं, जो ये डेमोक्रेसी है, आपको मैं बताऊं, जो डेमोक्रेसी प्रोपाउंड हुआ है, ठीक है, ये एक्चुअली कैपिटलिस्ट ने ही प्रोपाउंड किया है द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी. दे आर फेड अप विद दिस मोनार्किकल एंड डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज टू मेनी टैक्सेस दे हैड टू पे एंड दे वेर, यू नो, दे वेर नॉट इन अ पोजिशन, दे वेर अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ रेजिम, राइट? दे थॉट वी मस्ट हैव एनी अदर वे वेयर वी कैन ग्रो मोर एंड मोर, राइट? सो यस, द फिलोसफर्स लाइक जॉन वॉल्टेयर, फिलोसफर्स लाइक जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, जी जैकस रूसो, there were many Western philosophers who propounded the very concept of democracy. And out of that, right, when the capitalists were growing, okay, on a good rate, we cannot say exponential rate, but yes, on a good rate, a big rate, right, on a larger rate. So the philosophers like Karl Marx, John Locke, Karl Marx, Frederick Engels, and geez, what was his name? Robert Owen, Louis Blanc, like yes, BKK. And they say that these capitalists are exploiting the very society. We need to stop these root cause of nahi ye to sir dusra tha, right? So jo ye trade pad rahe ho, this trade in order to facilitate this trade, we need to have a good network of transportation. The ultimate goal in view of India, means as we are Indians, we must be aware of our nation first and we must be aware of what need to be done for our country, ठीक है? तो हमें क्या करना है? ट्रेड करना है. ट्रेड, और ट्रेड में क्या करना है? ट्रेड कर रहे हैं तो हमें बेचना ज्यादा है या खरीदना ज्यादा है? सर बेचना ज्यादा. बेचना. हाँ, हमें बेचना है, चीजें बनानी है और बेचना है ताकि हमारे पास फॉरेन करेंसी आए. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी मैंने समझा दिया है
तो उस फॉरेन करेंसी से हम यूज करके हम क्या करेंगे, हम जो है कि पुअर कंट्रीज को भी हेल्प करेंगे, हम अपने कॉम हम जो तेल वगैरह की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करेंगे, ठीक है, हम चंदा भी देंगे लोगों का। अब इसको ऐसे समझो कि आप एक सोसाइटी में रहते हो, अपने घर के बारे में ही सोचो, आपके घर में पैसा आना चाहिए या जाना चाहिए? आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए, ठीक है, ज्यादा आना चाहिए। अब जैसे आपके घर में ज्यादा पैसा आएगा, ठीक है, तो पैसा जब ज्यादा आएगा तो आने का क्या तरीका है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि ज्यादा पैसा आए, वैसे तो आएगा नहीं, ठीक है। तो ट्रेड एक अच्छा तरीका होगा, बिजनेस आपका अगर अपना बिजनेस है तो ज्यादा पैसा आएगा। अब वो ज्यादा पैसा आएगा तो क्या करोगे, तो आप आसपास की सोसाइटी के डेवलपमेंट के बारे में सोचोगे, आपका डेवलपमेंट होगा, आपका इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। वैसे इंटरनेशनल फोरम में भी इंडिया क्या क्या होगा, फिर डेवलपमेंट होगा, यूएनएससीज में क्या होगा, उसके चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है, परमानेंट सीट होने के, आर्म्स एंड एमिनेशंस होगा तो बैलेंस ऑफ पावर एक और भी बना रहेगा। अदरवाइज जो फाइव कंट्री जो डोमिनेट कर रही हैं वो क्यों डोमिनेट कर पा रही हैं, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्या है, औरों की कंट्री से ज्यादा है। कुछ कंट्रीज हैं जो अच्छे तो हैं, दे आर वेल डेवलप्ड एंड ऑल, बट दे आर नॉट गेटिंग अ चांस टू एंटर दैट एरिना टू हैव अ परमानेंट सीट इन यूएनएससी। लाइक कंट्री लाइक जापान डेवलप्ड है बट फिर भी नहीं हो पा रहा है, राइट, बट दे हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग एट द सेम टाइम। तो मेन क्या है, आप उस पोजिशन पे आओ, तो पहले आप उस पोजिशन पे आओगे तब ये सारी बातें होंगी। तो ट्रेड में हमें क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, ट्रेड आप करोगे कम्युनिकेशन, ठीक है, क्या होगा कम्युनिकेशन, ठीक है, फिर ट्रेड, और ये कम्युनिकेशन ट्रेड के बाद क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपको ट्रेड करना है तो ट्रेड तो ऐसा नहीं होगा कि आपने जो है कि आप बैठे हो घर में और ट्रेड हो गया, ठीक है, ट्रेड के लिए आपको एफर्ट लगाना होगा, एफर्ट कर लगाने के लिए आपको किसी से बात करना होगा, जब आप बातचीत करोगे तभी तो ट्रेड होगा। जैसे आप बात करोगे, भाई हमारे हमने ये सामान बनाया है, ठीक है, सपोज आपने क्या बनाया है, आपने मान लेते हैं आपने एक बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर बना दिया, ठीक है, फिर आप किसी से कहोगे ना कि ये मेरा सॉफ्टवेयर है, आप ये चला के देखो, यूज करके देखो, ये सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर है, चेक तो करो, वो चेक करेंगे, अच्छा लगेगा उनको, उनसे बात किया आपने, ठीक है, और फिर उन्होंने कहा हाँ ये सॉफ्टवेयर तो अच्छा, जैसा आपने कहा वैसे ही है, मेरे घर पहुंचा दो, ठीक है, हम घर पहुंचा देंगे, इसका किराया दे देना आप, ठीक है, जैसे होता है अमेजोन वगैरह पे आप खरीदते हो तो घर तक आते हैं ना, होम डिलीवरी होती है घर तक, यस सर, तो ट्रांसपोर्टेशन रहेगा तब तो रोडवेज से आएंगे कि एयरवेज से आएंगे कि रेलवे से आएंगे, ठीक है, सब चीज होना चाहिए तब हो पाएगा। सो दे ऑल आर दीज ऑल आर सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, रादर क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, मैथ्स में पढ़ा है ना कॉम्प्लीमेंट्री, 90 कब होगा, यस सर, 90 के दो एंगल्स मिला के 90 हो रहे हैं, उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, ठीक है, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है, कहीं पे लिखा होगा कॉम्प्लीमेंट्री, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है, व्हेन यू विल रीड यू विल फाइंड, दिख रहा है आप लोगों को, यस सर, कॉम्प्लीमेंट्री लिखा है, दिख रहा है, यस सर, तो यहीं से जर्नी स्टार्ट होगी। मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देख लेते, अभी हम लोग रीडिंग करेंगे, अभी डिस्कशन होगा। मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लैंड, वाटर, एयर, ठीक है, जमीन मतलब लैंड, फिर वाटर के थ्रू और एयर के थ्रू। लैंड की बात की जाए, रोडवेज की बात आएगी, रेलवेज, पाइपलाइंस, ठीक है, ये लैंड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। वाटर विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, ठीक है, मतलब इनलैंड और ओवरसीज, ये दो तरीके हैं। एयर, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। डोमेस्टिक में जाएंगे तो पब्लिक अंडरटेकिंग और प्राइवेट एयरलाइंस, ये दो आ जाएंगे, ठीक है, तो ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन को हम समझेंगे, फिर उसके बाद हम ट्रेड भी समझेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर हम कम्युनिकेशन भी समझेंगे, क्या क्या कम्युनिकेशन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर, यस सर, यस सर। चलो, तो आज मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, नेक्स्ट क्लास में फर्दर इसको और एक्सपैंड करके हम लोग स्टडी करेंगे। तो अभी तक जो भी पढ़ा है सब पढ़ के आना, कोई डाउट हो तो पूछा करो, राइट, एंड दिस इज आई डोंट नो दिसंबर तक आपका कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, तो बी श्योर दैट यू आर आस्किंग व्हाट यू रिक्वायर टू आस्क, राइट, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर।
चलो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीवन बाय बाय थैंक यू सर बाय एवरीवन बाय.